हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए हमारे SRMP टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहुंचे। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है संतोष, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SRMP टेक्निकल वर्क में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे इस केसिंग कैपिंग का कॉर्नर कैसे बनाते हैं और टी जॉइंट कैसे बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप कॉर्नर बनाने के लिए आरी का इस्तेमाल करते हैं और परफेक्ट कॉर्नर नहीं बना पाते? तो वीडियो में पूरा बताया जाएगा कैसे बनाते हैं कॉर्नर एंड टी जॉइंट। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, केसिंग कैपिंग का कॉर्नर बनाने के लिए ऐसा कटर का ज़रूरत है। तो क्या आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो आप इसको अमेजन से परचेस कर सकते हैं। इसका नाम है मल्टी एंगल कटर। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो आप उस पर जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं टी जॉइंट बना लेता हूँ इस पर। तो देखिए, ये है टी जॉइंट। तो इसको परफेक्ट टी जॉइंट बना है ये। तो इसे कैसे कटिंग करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये परफेक्ट कॉर्नर जॉइंट। तो इस ये एंगल मल्टी एंगल कटर है और इसको आप खोलने के लिए पहले यहाँ पे लॉक होता है, देखिए ये रेड कलर का। तो इसको खोल के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको खोल लेते हैं। देखिए, ये प्रेस करके इसको हटाना पड़ता है। तो इसको प्रेस कीजिए दोनों हाथों से और इसको हटाइए। उसके बाद इसको देखिए, ये हाथ से हटाना पड़ता है ऐसे, ठीक है। इसे हटाने के बाद आपका ये फंक्शन रेडी है उसका कटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए केसिंग एक टुक कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए, कॉर्नर बनाने के लिए पहले आपको ये जो ये देख रहे हैं, ये इसका एंगल को यहाँ पे 45 डिग्री रखना पड़ेगा और उसके बाद आपको केसिंग यहाँ पे डालना पड़ेगा ऐसे, देखिए ऐसे डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्रेस हटा के कटिंग कीजिएगा। तो देखिए, इसको ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये कटिंग हो गया। तो इसको दोनों हाथों से प्रेस करने से ये कटिंग हो जाता है। तो दोस्तों, तो देखिए, और एक ठो को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको अभी ये जो जिस एंगल पे बना हुआ है ये अगले साइड में ऐसे 45 डिग्री है उस पे इसको रखेंगे। उसके बाद अगले वाले को वैसे कटिंग करेंगे। तो इसको भी ऐसे सटा के कटिंग करना है आपको। तो ये दोनों हाथों से प्रेस कीजिएगा तो कटिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये कटिंग हो गया। तो अभी कॉर्नर बनाते हैं, देखिए। तो दोस्तों, दोनों को मिला लेते हैं कॉर्नर को। तो देखिए, ये 90 डिग्री पर परफेक्ट जॉइन हो चुका है। तो दोस्तों, इस पर आप केसिंग कैपिंग वायरिंग करते समय इसको यूज कर सकते हैं और आपको आरी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको आप अमेजोन से परचेस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी टी जॉइंट बनाते हैं, परफेक्ट टी जॉइंट। तो आपको ऐसे इसको एक एंगल बना, कॉर्नर बना लेना है पहले। उसके बाद यहाँ पे एक तो लकीर खींचना है और इसको कटिंग करना है ऐसे क्रॉस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एरो कटिंग करना है जिससे तीर होता है वैसे, देखिए ऐसे। तो दोस्तों, इसको एरो की तरह ही कटिंग करना है। तो दोस्तों देखिए, ये एरो की तरह बन गया है। तो और अगले वाले को भी ऐसे ही बना लेते हैं।
आपको एक ठो केसिंग लेना है, और जो एरो बना था, जो पहले वाले केसिंग को एरो बनाए थे, उस पर आप निशान देना है यहाँ पे, ठीक है। निशान देने के बाद यहाँ पे आप निशान देने के बाद इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए ये निशान बन गया। तो दोस्तों इसको यहाँ पे कटिंग करना है, इसको नॉर्मली कटिंग करना है, इसको कोई भी डिग्री पे नहीं रखना है। तो देखिए कटिंग हो गया। तो अभी इसको जॉइन करते हैं। तो देखिए परफेक्टली जॉइन बन गया। तो दोस्तों इसका कैप वगैरह को वैसे कटिंग करेंगे। तो चलिए इस कैप को, अभी जो केसिंग का ऊपर का कैप है उसको भी ऐसे कटिंग करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस कटर का मदद से आपको केसिंग कैपिंग को ऐसे कटिंग करना है, और आपको वायरिंग करते समय इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको ऐसे कटिंग करते हैं, देखिए जो कनर बनाते हैं इसको 45 डिग्री पे रखना चाहिए, और सीधा कटिंग करने के लिए आपको 90 डिग्री में रखना पड़ेगा। और दोस्तों टी जॉइंट बनाते समय आपको नॉर्मली कटिंग करना है, जैसे मैंने बताया निशान बना के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी इस कैप को कटिंग करते हैं इस पे 45 डिग्री पे। ये ऊपर का जो कॉर्नर बनाए थे इसका ऊपर का है। तो दोस्तों इसको 45 डिग्री पे ऐसे रखेंगे, इसको कटिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये कैसे आसानी से कटिंग हो गया। तो इसको दोनों हाथों से प्रेस करना है, और अभी इसको भी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो दोस्तों ये भी इसको भी कटिंग कर लेंगे, ये दो नंबर का है। तो अभी इसको कटिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये कटिंग हो गया है। तो दोस्तों जितने भी कटिंग किए हैं सबको मिला लेते हैं, तब तक आप म्यूजिक एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों देखिए ये कॉर्नर बन गया है दोनों का, ऊपर का भी और कैप का भी। तो ये इस कटर को आप अमेजन से परचेस कीजिए, और आप हाउस वायरिंग में या फिर आपका कोई भी ऐसे प्लास्टिक वगैरह है कॉर्नर बनाने के लिए, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। केसिंग कैपिंग का भी कटिंग होगा, केसिंग वायरिंग का भी कटिंग होगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thanks for watching. Bye.